जय हिंद। विलयन के और संख्यक गुणधर्म का आज हम चौथा गुणधर्म समझेंगे। हमारा चौथा गुणधर्म जो है वह है ऑस्मोटिक प्रेशर या फिर परासरण दाब। देखिए ये परासरण दाब क्या होता है, इसको समझने से पहले कुछ क्रिया है, कुछ बातें हैं उसको समझ लेते हैं ताकि परासरण दाब को समझने में हमको सहूलियत मिलती रहे। एक आता है आपका विसरण। विसरण क्रिया क्या होती है इसको समझिए जरा। मान लेते हैं ये क्या है, कंटेनर है, और इन कंटेनर में मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक विलयन है और यहाँ पे कोई दूसरा टाइप का विलयन है। इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, अगर ये विलयन है तो इसमें मान लेते हैं जो पहला विलयन है आपका वह कैसा है, पहला विलयन का जो सांद्रता है वह अधिक है। सांद्रता किसका, पहले विलयन का ज्यादा है किससे, सांद्रता दूसरे वाला जो विलयन है उससे। अगर इसकी सांद्रता ज्यादा है तो जाहिर सी बात है इसमें जो मोल होगा, मोल या फिर हम इसको कण से भी कह सकते हैं, ये ज्यादा होगा किससे, जो आपका इधर का मोल है या फिर इधर का जो आपका कण है इससे ज्यादा होगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर ये विलयन है अलग अलग सांद्रता वाला, यहाँ पे C1 C2 उसकी सांद्रता को प्रदर्शित कर रहा है। मान लेते हैं कि जो C1 है वह अधिक सांद्र है तो ये ज्यादा गाढ़ा होगा। अगर ये ज्यादा गाढ़ा होगा तो इसमें इसकी अपेक्षा जो इसके विलेय के कण होंगे वो ज्यादा होंगे। अगर इसमें विलेय के कण ज्यादा हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो आपका सांद्रता ये दूसरा वाला विलयन है इसमें विलायक के कण ज्यादा होंगे। अरे वही बात है, अगर यह सांद्रता है तो इसमें विलेय का कण क्या होगा, विलेय का कण ज्यादा होगा। वन का मतलब विलयन, वन में किससे, जो आपका ये विलेय का कण है दूसरे वाले से। हम ये भी तो कह सकते हैं अगर इसमें विलेय का कण अपेक्षा इससे ज्यादा हो रहा है तो जाहिर सी बात है इसमें जो विलायक होगा किसका, दूसरे वाले विलयन का, ये ज्यादा रहा होगा विलायक पहले वाले विलयन का। बात एक ही है। तब उस समय होता क्या है कि जब अलग अलग सांद्रता वाले विलयन को हम उसके संपर्क में ले आके रखते हैं तो यहां से जो ये है जो अधिक सांद्रता वाला विलयन है, इधर से हमारा विलेय का कण जिसकी मात्रा ज्यादा रहेगी वही तो भागेगा, विलेय की कण इधर जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इधर से जो सांद्रता वाला पहल जो ये अधिक सांद्रता वाला विलयन है, इधर से हमारा विलेय गति करेगा इधर, और जो कम सांद्रता वाला विलयन है उधर से विलायक वाला क्या करेगा, गति करेगा, विलायक इधर गति करेगा। कब तक क्रिया होगी, जब तक कि दोनों की सांद्रता बराबर न हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, विसरण या फिर डिफ्यूजन कहते हैं। ये बात समझ में आ गई, विसरण या फिर डिफ्यूजन क्या होता है। यहाँ बाई मिस्टेक इंग्लिश इसका थोड़ा गलत कर दिए हैं, डिफ्यूजन ये विसरण समझ में आ गया। इसकी अगर परिभाषा की बात करें तो एग्जैक्ट परिभाषा है जब दो भिन्न भिन्न सांद्रता वाले विलयन को एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है तो अधिक सांद्रता वाला विलयन, अधिक सांद्रता वाला विलयन से विलेय के अणु तथा कम सांद्रता वाले विलयन से विलायक के अणु एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करते हैं जब तक कि दोनों की सांद्रताएं बराबर ना हो जाए। इधर विलायक ज्यादा है उधर भागेगा, उधर विलेय ज्यादा है इधर भागेगा। कब तक भागेगा, जब तक दोनों आपस में क्या ना हो जाए, उनकी सांद्रता बराबर ना हो जाए। ये हमारा क्या है, विसरण है। अच्छा ये परासरण क्या होता है, परासरण का मतलब ऑस्मोसिस क्या होता है इसको समझ लेते हैं। देखिए मान लेते हैं फिर से वही दो भिन्न भिन्न सांद्रता वाले विलयन हैं और उनकी सांद्रता को हम C1 और C2 से डिनोट किए हैं। जहां पे ये दिखाया गया है जो C1 है वह C2 से ज्यादा है। इस कंडीशन में क्या होगा, अगर C1 ज्यादा है तो इसमें विलेय की मात्रा ज्यादा होगी। इधर फिर से लिख दे रहे हैं, विलेय ज्यादा होगा विलयन वन में किससे, विलेय ज्यादा दूसरे वाले विलेय की संख्या से। वैसे इधर भी कह सकते हैं जो विलायक होगा, ये सेंस वाली कॉमन सेंस वाली बात है, जो विलायक होगा वन वह कम होगा विलायक टू से,
विलायक टू का मतलब दूसरे वाले विलयन के विलायक से, तो इधर विलय की मात्रा ज्यादा होगी, इधर विलय की मात्रा, इधर विलय की मात्रा ज्यादा होती होगी, ज्यादा होगी और इधर विलायक की मात्रा ज्यादा होगी। अब देखिए इन दोनों के बीच में हम एक सेमी मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स रखते हैं, यानी अर्ध पारगम्य झिल्ली इसको कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? अर्ध पारगम्य, एक मिनट, झिल्ली। और ये जो अर्ध पारगम्य झिल्ली है ये करता क्या है, इधर विलय जाते हैं ना और इधर विलायक, यह केवल जिधर विलायक के अणु ज्यादा रहते हैं बस उसी को क्या करता है, गत कराता है। तो इधर से विलायक के अणु क्या होंगे, जिधर ज्यादा है इधर से विलायक के अणु और इधर जाना शुरू कर देंगे, लेकिन इधर जो विलय का अणु है वह गति नहीं कर पाता, विलय गति नहीं करता, विलय गति नहीं करता। मतलब यह जो अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा है यह केवल विलायक के अणु को गत करने के लिए क्या करता है, आजादी देता है, फ्रीडम देता है, इसको नहीं। तो ये परासरण समझ में आ गया, विलायक का कम सांद्रता वाले, विलायक का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली से प्रवाह परासरण यानी ऑस्मोसिस कहलाती है। फिर से समझा दे रहे हैं, ये कम सांद्रता है तो जाहिर सी बात है इसमें विलायक के कण ज्यादा होंगे, और ये अधिक सांद्रता है तो जाहिर सी बात है इसमें विलय के कण ज्यादा होंगे। जब इन दोनों को किसी अर्ध पारगम्य झिल्ली के साथ एक संपर्क में रखा जाता है तो करता क्या है, जो कम सांद्रता वाला विलयन है उसमें से विलायक का अणु निकलता है और अधिक सांद्रता वाले विलय के अणु की ओर गति करना शुरू कर देता है, इसे हम क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। अगली हेडिंग है क्या, ये अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या होता है, अर्ध पारगम्य झिल्ली यानी हम जिसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स कहते हैं, वे झिल्लियां जो अपने में से होकर जाने देती हैं, अपने में से विलय के अणु को, यहाँ पे गलती हो गया है, वे झिल्लियां जो अपने में से विलायक के अणु, विलायक के अणु को जाने देती है, विलय के अणु को नहीं, उसे हम क्या कहते हैं, अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं। जैसे अंडे का जो छिलका होता है, अंडे का जो ऊपर वाला छिलका होता है अगर उसको हटा दें तो उसके नीचे जस्ट एक पतली बहुत बारीक झिल्ली होती है, उसे हम अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं। और प्याज का जो छिलका होता है बहुत बारीक बारीक पतली पतली होती है, वह भी क्या होता है, अर्ध पारगम्य झिल्ली होता है। तो यह समझ में आ गया, इधर विसरण क्रिया किसे कहते हैं, बस भिन्न सांद्रता वाले को एक कंटेनर में रख दें, पास में रख देंगे तो आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे के विपरीत विलायक और विलय के अणु गत करना शुरू कर देंगे, विसरण। जबकि परासरण जो होता है उसमें हम अर्ध पारगम्य झिल्ली रखते हैं, और अर्ध पारगम्य झिल्ली की यह खास बात होती है जिसमें सांद्रता कम होती है, यानी कम सांद्रता वाले विलय में से उसके विलायक के अणु को अपने अंदर से जाने देती है, विलय के अणु को नहीं, उसे हम कहते हैं परासरण। अब इसके बाद आता है परासरण दाब, यानी जो हमारा चौथा क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यानी विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म है वो, अब इसको हम समझ लेते हैं क्या होता है। आइए यहाँ पे हम ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये बता दें, ये जो परासरण दाब होता है इसको हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी पाई से क्या करते हैं, दिखाते हैं या प्रदर्शित करते हैं। देखिए यहाँ पे हम दो कंटेनर लिए हैं, एक में हम केवल शुद्ध विलायक लिए हैं, इसमें कोई विलय नहीं मिलाया गया है। अगर विलय नहीं मिलाया गया है तो इसमें जो विलायक है या ये जो विलयन है इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, बहुत कम होगी अपेक्षा इसमें। ये जो दूसरा हमारा कंटेनर है इसमें हम विलयन लिए हैं, विलयन का मतलब ये इसमें विलय और विलायक ज़्यादा मिलाए हैं। तो आप जरा ध्यान से समझिए, अगर इसमें हम विलय नहीं मिलाए हैं, इसमें विलय मिलाए हैं, तो इसका जो विलायक के कण है या विलायक के जो अणु है उसकी सांद्रता अपेक्षा इससे कम होगी। ये शुद्ध है तो जब शुद्ध है तो इसमें पूर्ण रूप से विलायक है, इसमें विलय भी मिला है तो विलायक की संख्या अपेक्षा इससे क्या होगा, इसकी कंसंट्रेशन में सांद्रता में कमी होगी। अब देखो यहाँ पे हम लिखे हैं कि दोनों कंटेनर को किसी एसपीएम द्वारा, एसपीएम का मतलब क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स के द्वारा, या हम इसको अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं,
के द्वारा विभाजित किया गया है, अलग रखा गया है। अब जब अर्धपारगम्य झिल्ली होती है तो अर्धपारगम्य झिल्ली की खासियत यह होती है कि जहां पे विलायक के अणु ज्यादा मिलेगा उधर से क्या करेगा, विलायक के अणु को अपने अंदर से जाने देगा, जिधर विलायक के अणु कम होंगे या कम सांद्रता वाले विलयन में से विलायक के अणु को अधिक सांद्रता वाले विलयन में क्या करता है, जाने देता है। तो इधर से क्या होगा, इधर से जो विलायक का अणु है इधर से मूव करना शुरू करेगा, इधर जाएगा। इधर की सांद्रता जो C1 है वह ज्यादा है C2 से, मान लेते हैं ये C1 है ये C2 है, बस समझाने के लिए ऐसे ही। तो ये क्या करेगा, इधर मोमेंटम करेगा, इधर गत करेगा, इधर जाएगा। अब अगर हम क्या करें, इस टैंक के यानी जिस विलयन में आ रहा है यह शुद्ध विलायक का अणु आ रहा है, इसके विपरीत अगर हम यहाँ पे कोई प्रेशर अप्लाई कर दें यहाँ पे पिस्टन लगा के, ये C1 ज़्यादा किए हैं C2, यहाँ पे अगर हम पिस्टन लगा के प्रेशर अप्लाई कर दें और वह प्रेशर इतना हो कि इस परासरण क्रिया को रोक दे, किसको, ये जो विलायक के अणु आ रहा है इस परासरण क्रिया को रोक दे, वही दाब आपका क्या कहलाएगा, परासरण दाब कहलाएगा। तो बात बिल्कुल क्लियर है, अगर हम इसको साफ शब्दों में लिखना चाहें तो कह सकते हैं परासरण क्रिया को रोकने के लिए क्रिया के विपरीत, क्रिया इधर हो रही है ना, इसके विपरीत इधर, यानी हम क्या करेंगे इधर दाब लगाएंगे। क्रिया के विपरीत दिशा में जो दाब लगाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। या इसकी अलग परिभाषा हम ये भी कह सकते हैं, किसी विलयन का परासरण दाब उस अतिरिक्त दाब के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा उसके विलायक के प्रवाह को रोकने के लिए प्रयुक्त होता है। ये क्या है, हमारा परासरण दाब है। देखिए यहाँ पे अगर हम सूत्र डेरिवेशन की बात करें तो ये पहला कंटेनर है जिसमें हम क्या किए हैं, केवल शुद्ध विलायक लिए हैं, इसमें विलय नहीं मिलाया गया है तो केवल विलायक के अणु होंगे। ये विलयन है तो इसमें विलय और विलायक के दोनों के अणु इसमें पाए जाएंगे। देखिए मान लेते हैं परासरण की क्रिया हुई, परासरण की क्रिया होगी तो शुद्ध विलायक से क्या होगा, जो विलायक के अणु होंगे वह किधर जाएंगे, जो विलयन है इसमें जाएंगे। अब इधर से हम मान लेते हैं एक्स्ट्रा फोर्स, एक्स्ट्रा फोर्स का मतलब क्या है, ये एक वायुमंडलीय दाब तो रहेगा ही रहेगा, ये तो अप्लाई होबई करेगा, इसके अतिरिक्त जितनी दाब अब हम लगाएंगे वही आपका क्या होगा, परासरण दाब होगा। देखिए एक्सपेरिमेंट से यह पता चला जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो यह पता चला ये जो परासरण दाब है जो हम एक्स्ट्रा दाब लगा रहे हैं पाई, परासरण दाब को पाई से पाई, यह सीधे समानुपाती होता है विलयन की मोलरता के। अब अगर यहाँ पे हम समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो, अच्छा एक बात और, यह जो परासरण दाब था वह भी समानुपाती था टेम्परेचर, ताप के, ताप बढ़ा देने से परासरण क्या होता है, परासरण दाब बढ़ जाता है। अब इसको मान लेते हैं समीकरण एक, इसको मान लेते हैं समीकरण दो। उसके बाद जब यह पता चला, जब इसको सॉल्व किया गया तो जो पाई होता है सीधे समानुपाती होता है एम टी के, एम इंटू टी के, समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो बराबर आएगा, एक यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू आती है और यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू आर आई, आर एम टी। ये परासरण क्या है, परासरण एक तरीके का दाब ही है, हम इसको ये भी कह सकते हैं कि पाई, पाई बराबर एम आर टी। अब देखना ये किसका सूत्र निकल गया, परासरण दाब का, ये आपका परासरण दाब निकल गया पाई बराबर एम आर टी, जहां पाई क्या है, पाई को हम परासरण दाब कहते हैं और ये यम क्या है, यम विलयन की मोलरता है, विलयन की मोलरता। ये आर क्या है, यह आर जो है यह विलयन कांस्टेंट है, विलयन स्थिरांक है, विलयन स्थिरांक है। और जब इसका प्रयोग किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया तो पता चला ये जो R है यह ठीक वही है जो आदर्श गैस समीकरण में या गैस समीकरण में हम यूज करते हैं, सार्वत्रिक गैस नियतांक जिसको कहते हैं, क्या है, सार्वत्रिक गैस नियतांक,
सार्वत्रिक गैस नियतांक, और इसका जो मान होता है 0.0821 एटीएम लीटर, एटीएम इंटू लीटर, इसके बाद कहते हैं केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, इतना इसका मान होता है। टी क्या है? टेम्परेचर है। टी आपका क्या है? टेम्परेचर है, लेकिन किस में होना चाहिए? केल्विन में होना चाहिए। तो यहाँ से परासरण और परासरण का सूत्र निकल गया। अब इसकी सहायता से जो सवाल होगा उसको हम क्या करेंगे? हल करेंगे। अच्छा, कई लोगों के दिमाग में आ रहा है ये आर को कैसे सार्वत्रिक गैस नियतांक रखा गया। देखिए, आपको पता है ये जो परासरण दाब है एक तरीके का दाब ही है, एक तरीके का दाब ही है, तो इसको हम पी से लिखते हैं। जो यम होता है उसको हम कहते हैं यन बटा भी, मोल प्रति बिलियन को हम क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। मोलरता को बड़े अच्छे से हम समझाए हैं। अब यहां से अगर हम मान रखें तो हम ये कह सकते हैं जो आपका पी होगा, पी बराबर होगा यन भाई यन बटा भी आर इंटू टी, इसका गुणा इसमें कर दें तो पी भी बराबर यन आर टी, यही आपका क्या होता है? आदर्श गैस समीकरण होता है, आदर्श गैस समीकरण। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो R का मान है ये और यहाँ पे जो R का मान है ये दोनों एक ही हैं। तो एक्सपेरिमेंट से ये सब किया गया तो R का मान एक ही निकला, और इसका मान कितना होता है? 0.821 एटीएम लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, या इसको ये भी कह सकते हैं एटीएम लीटर पर केल्विन पर मोल, ये भी बोल सकते हैं। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा परासरण क्या होता है, परासरण दाब क्या होता है, परासरण दाब का जो सूत्र होता है इसको डेरिवेशन कैसे किया जाता है, कैसे ये आता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है ये वीडियो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।